हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं स्वागत करता हूं आपका निकार एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में। आज का जो वीडियो है दोस्तों है वो होने वाला है इस पर, ठीक है। आपने थंबनेल देख लिया होगा दोस्तों, तो चलिए हम कम बजट में बनाते हैं। मात्र 50 रुपये लगेगा दोस्तों। पाइप जो है आपको छोटा सा कहीं भी मिल जाएगा, और जो ये कड़ा वाला केबल है जो हमने केबल से बनाया होगा दोस्तों, ये भी आपको मिल जाएगा। जो केबल है आप किसी प्रकार का, या आप चाहे तो जो तार आता है वो भी ले सकते हैं जो खेतों में लगाया जाता है। ये देख सकते हैं इस प्रकार केबल था, इसमें से हमने एक खराब केबल था दोस्तों, इसमें से हमने गोला गोला वाला बनाकर देख सकते हैं रिंग बना लिया है। रिंग बना के यहाँ पे चिपका दिया हमने सुपर ग्लू से। आप भी रिंग बना सकते हैं इस टाइप का, ठीक है दोस्तों। इस तरह से बना लेना है, पहले आपको छोटा बनाना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा। हमने चार प्रकार का बनाया है, वहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर चार प्रकार का दोस्तों रिंग बन चुका है, ठीक है। सबसे छोटा, बड़ा, बड़ा। इसके बाद इस प्रकार का इसको कट कर लेना है, इस गोले के हिसाब से जो रिंग है, रिंग के हिसाब से आपको कट कर लेना है। हर रिंग के अलग अलग साइज होगा दोस्तों, ठीक है। रिंग को हमें बताने की जरूरत है नहीं, रिंग का जो साइज है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं है। लेकिन जो हमारा बड़ा वाला जो रिंग है उसका साइज आपको बता दें 18 इंच का ये है, ठीक है। यानी कि यहाँ से अगर देखा जाए 9 इंच का लेकर आप गोला करेंगे तो ये 18 इंच का आएगा। 18 इंच का नहीं है, ये 9 इंच का ही है दोस्तों, ठीक है। सर्किल तो सेंटर से हमेशा नापा जाता है, तो ये 9 इंच आएगा। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये है लगभग 15.5, यानी कि अगर 20 सेंटर में देखा जाए तो लगभग ये आएगा 7.5 से कुछ ज़्यादा। इसी प्रकार से दोस्तों आपको सभी काट लेना है। अब ये पाइप है दोस्तों, पाइप लंबाई भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। जो पाइप लंबाई है यहाँ पर 30 सेंटीमीटर हो गया, 30 और 10, 40 से 46 सेंटीमीटर का ही दोस्तों है, लगभग मांगे चाहिए 1.5 फीट का है। तो दोस्तों अभी क्या करना है, इस पर हमें काम करना है। तो सबसे ऊपर लगाएंगे सबसे छोटा वाला, तो सबसे छोटा वाला हम वायर ले लेते हैं दोस्तों, ठीक है, और काम करना स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। अगर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। थोड़ा सा प्रॉब्लम दोस्तों होगा, जो हमने होल किया है सभी को समान में किया है, तो आपको सभी को समान में होल नहीं करना है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे करेंगे तभी सही रहेगा। और यहाँ पर हम बनाने का प्रयास करते हैं, थोड़ा टेढ़ा करके यहाँ पर डालेंगे, तो ये देखते हैं आता है या नहीं। नहीं आएगा तो फिर हमें भी वही वाला रोल बनाना होगा। इस तरह से दोस्तों होने वाला नहीं है, तो थोड़ा ऊपर और नीचे हमें होल करना पड़ेगा दोस्तों, तभी ये सही से आएगा। हमें पता नहीं था, हमने होल कर दिया था उसमें, क्योंकि एक तो आ जाएगा फ्रेंड्स, लेकिन दूसरा डालेंगे तो इसमें से नहीं जा पाएगा, इसको लगभग बीच में से दिक्कत करेगा। इसको हम सब कुछ सही कर लेते हैं। अब शांति से दोस्तों हम पूरा रिंग उंग इसमें लगा लेते हैं, उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं, ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लग रहा है आप हमें जरूर बताएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इतना बड़ा है कि कैमरे में भी ढंग से नहीं आ पा रहा है, तो इस तरह से दोस्तों हमें करना होगा, आपको दिखाना होगा। देख सकते हैं ये रिंग बनकर रेडी हो गया है। अब दोस्तों इस पर हमें क्या लगाना है ये आपको दिखाते हैं। अब तो इसको हम रख देते हैं फ्रेंड्स इस तरह, अभी सूख रहा है क्योंकि सुपर ग्लू लगा हुआ है। इससे पहले आपको दिखा रहे थे फ्रेंड्स जो ये लगाने वाले हैं, ये देख सकते हैं ये दिया है, दिया वाला झालर मात्र 50 रुपये में मिलता है मार्केट में दोस्तों, आपको आसानी से मिल जाएगा 50 से 60 रुपये में। तो इतना मांगे थे दोस्तों कि ये हमारे घर से जो है छोटा सा पाइप जो है टुकड़ा, वो कहीं से मिल जाएगा, और जो ये तार है आप कोई सा भी तार लगा सकते हैं। और जो दोस्तों ये दिया है 50 रुपये, तो 50 रुपये में आपका जो हम बना रहे हैं लैम्प टाइप का जो देखने में अच्छा लगता है, ठीक है, दिया लगा रहता है। अभी आपको हम दिखाएंगे जला कर टेस्टिंग करके दिखाएंगे कितना ये मस्त लग रहा है। तो वीडियो में दोस्तों आप बने रहिए, अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों अब क्या करते हैं, हम जो दिया है उसको हम इसके ऊपर लगा देते हैं। अब कैसे लगाना है आपको हम एक एक करके दिखाते चले जाएंगे। तो दोस्तों हम फास्ट में आपको दिखाते हैं सभी को दिया को लगाकर।
तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो ये एक स्पेशल दिया है वो बनकर रेडी हो चुका है। इस तरह से हमने बना लिया फ्रेंड्स। अब क्या करना है, इसका जो नीचे का बेस है उसको तैयार करना है। उसको दोस्तों हम तैयार करेंगे क्योंकि इसको कहीं हम रख नहीं पा रहे हैं ना कुछ कर पा रहे हैं, तो अभी हम उसका बेस बना लेते हैं, उसके बाद फिर दोस्तों हम रखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों जो झालर का वायर है सभी को हमने एक साथ निकाल लिया है। ये जो है पूरी तरह से तो नहीं आएगा, हम आपको दिखाएंगे अभी जलाकर। ये जो वायर है दोस्तों इसका हम कनेक्शन करेंगे, एक एक्सटर्नल वायर हम लगाएंगे, जो ये वाला वायर है ये देख सकते हैं, इसको लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। जिसका बेस है दोस्तों ये बनाए हुए हैं, ये देख सकते हैं जिस चौड़ा टेप आता है, ठीक है वही वाला है ये। और नीचे का साइड हमने कार्डबोर्ड लगा दिया है और ऊपर साइड भी हमने कार्डबोर्ड कट कर लिया है दोस्तों, ठीक है इस टाइप का है कट किया है। और इसको दोस्तों हम क्या करेंगे, इसी के अंदर इसको डालकर लगा देंगे, ठीक है। इसमें कोई भी स्विच हम नहीं लगाएंगे फ्रेंड्स, डायरेक्ट जो रहेगा आप बोर्ड में लगाएंगे डायरेक्ट ये चालू हो जाएगा, तो स्विच लगाने की जरूरत नहीं है। एकदम सिंपल सा जुगाड़ है फ्रेंड्स, इसलिए हमने बनाया है। और जो वायर है इसमें वायर रहेगा और इसी के ऊपर दोस्तों हम इसको रख देंगे। बेस को आपको और हैवी करना होगा तो उसमें आप कोई भी चीज जो है वजन डाल सकते हैं जिससे कि वो गिरे नहीं इधर उधर। इसमें वजन चीज आप डाल सकते हैं अपने हिसाब से। और इसको भी हम अच्छे से चिपकाएंगे दोस्तों, तो आप देखते रहिए। इसका जो कनेक्शन है सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है, इसको वायर डालना है, इसी के वायर में उसको कनेक्ट कर देना है। इसके बाद ये बनकर रेडी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी तरह इसको हम रखेंगे अभी। दरअसल क्या है कि रखते नहीं पड़ रहा है फ्रेंड्स, इसीलिए मुझे बेस जो है बनाना बहुत जरूरी है। जो दिया है अभी तो मांगे चल रहा है, अब इसका वायर जो है हम इसमें ऐड कर लेते हैं, उसके बाद फिर फास्ट में कनेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। इसको दोस्तों हमें इसमें डाल देना है यहाँ से। दोस्तों आप इस जगह जो है टेप भी लगा सकते हैं, ईट शिवलिंग कुछ भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या आप सोल्डिंग फोल्डिंग करने की जरूरत नहीं है आपको, आप डायरेक्ट तार जो है लगा दीजिए। ये दोस्तों फिक्स हो चुका है। अब क्या करना है कि इसी में आप कुछ भी वजन डाल सकते हैं, वजन डालने के बाद इसको अच्छे से आप रख चिपका देंगे और ये बनकर तैयार हो जाएगा फिर। तो दोस्तों ये देख सकते हैं ये कंप्लीट हो चुका है और अब है टेस्टिंग की बारी। तो टेस्ट करके हम आपको दिखाएंगे, अपने हिसाब से इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं। जैसे ये नीचे का है बेस है, इसको आप अच्छे से और चाहे तो बना सकते हैं स्टिकर लगाकर। चलिए फ्रेंड्स टेस्टिंग के समय आपको आपसे मिलते हैं।